हमारे मजहब में औरतों को इसी तरह दिखाया गया जो हमारे रोल मॉडल्स हैं इस्लाम के अंदर जो कि औरतें हैं और खातून हैं उन्होंने बहुत ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ चीजें की हैं इस्लाम की लड़ाई के अंदर और माशरे को बदलने के लिए सो आई थिंक इट्स वेरी फेयर टू से कि हमारे टाइम में अः uh, ये एक जरूरत बन गई है कि औरतें भी निकलें औरतें भी उठें बिल्कुल देखें आप हमारा इस्लामी मुल्क है जिसकी वजीर अजम खातून थी जिसकी स्पीकर भी एक ख़ातून रही हुई हैं तो मज़हब ने भी औरत को लीड करने से मना नहीं किया औरत पहले भी इंटरप्रीनर थी औरत पहले भी जंगों में साथ देती थी तो कहाँ लिखा है कि औरत जो है वो आगे ना बढ़े औरत को बिल्कुल अपनी इज़्ज़त कैरी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर वो अपनी इज्जत के ख्याल रख रही है और वो हर फील्ड में आगे है तो इसमें बुराई क्या है 53% थ्री परसेंट ऑफ द वुमेन आर टूडे द पॉपुलेशन ऑफ द लाइक वर्ल्ड पॉपुलेशन का हिस्सेदारी है औरतें तादाद में भी ज़्यादा हैं लेकिन अगर वो काम में डिपार्टमेंट में अगर लोगों से हैं तो मैं कहती हूँ ये प्रोफेशनल लड़ाई है प्रोफेशन से लड़नी चाहिए औरत की इज्जत उछालने से आप औरत को डरा भी नहीं सकते और उसको जो है धमका भी नहीं सकते अब मुआरा चेंज हो रहा है तब्दीली आ रही है